I'm wearing an Abraham Thakur jacket and sari, and I think it's a different. आज इसलिए कहता हूँ पिछले दो महीने से मैंने सिर्फ साड़ियाँ ही पहनी हैं. तो हर ओकेजन पे मैंने मतलब अगले पिछले तीन चार महीने से मैं सिर्फ साड़ी पहन रही हूँ हर कार्पेट पे. मुझे कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. जैसे आई थिंक आई अग्री विद द कंट्रीज ओपिनियन. जो देश का ओपिनियन है मेरा भी वही ओपिनियन है. मुझे बहुत बहुत पसंद आई है. बच्चों की जो बात आती है, कौन है इंडस्ट्री में ऐसा बच्चे जो लोग स्टाइल आइकॉन मानता है, किसका स्टाइल गांव में लोग जाते हैं. जिस चीज़ को आप स्टाइल बोलते हैं, मुझे लगता है ये जो एक लव्स है, ये आई थिंक लोगों के किरदार पे लिखा जाता है. आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द क्लोथ्स. आई थिंक ये बिल्कुल कपड़ों के बारे में नहीं है. आई थिंक कपड़े एक हिस्सा होता है अपने स्टाइल का, लेकिन स्टाइल उसे कहते हैं जो आपके बोलने का ज़रिया है, जो जिसके लिए आप खड़े हो सकते हैं, जिन चीज़ों के लिए और जिन लोगों के लिए आप खड़े होते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट स्टाइल इज़ अबाउट. जी मैंने ये काफ़ी बार कहा है कि आई थिंक इस एक टॉपिक पे मैंने थोड़ी पढ़ाई की और मुझे नहीं लगता है कि ये इतना मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो शायद इसीलिए मैंने कभी उसके बारे में इतना सोचा नहीं. लेकिन जब सोचना शुरू किया तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को एक ओपिनियन होना चाहिए कि आपको क्या पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता है. एंड दैट्स रियली व्हाट आई जस्ट मेड अप माय माइंड टू डू. I don't want to talk about it right now. When I have it, ADF Productions के साथ है, so it is a home production, and Pradeep Sarkar will be directing the film. नहीं allow करूँगी. बहुत अच्छा लगा. I think they are two of my favorite actors. Can I keep the phone? Oh, forget it. I think they're two of my favorite actors, and I think they've given some amazing performances in their career. So I think I think to see both of them together, it was a moment. I will go with public opinion for that. Thank you.